बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में बुधवार को सीबीआई जांच की मंजूरी आखिरकार मिल गई है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने रिया चक्रवर्ती केस को ट्रांसफर किए जाने की मांग पर सभी पक्षों को 3 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। इस सुनवाई के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से एक ट्वीट किया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा से सुशांत के खुदकुशी मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग करते आए हैं। बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, केंद्र ने बताया है कि सुशांत की खुदकुशी का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। क्या मैंने अपना वादा निभाया और अब मैं जा सकता हूं? आपको याद दिला दें, इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए इस मामले पर सवाल खड़े करते हुए पूछा, कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स ने फोरेंसिक से विस्तृत रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी? आगे लिखा, क्या सुशांत को फांसी पर लटकाने से पहले जहर दिया गया था? स्वामी एक और ट्वीट करके पूछते हैं, मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में FIR क्यों नहीं दर्ज की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अंतिम क्यों कहा गया? दोनों का एक ही कारण है, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को फॉरेंसिक विभाग से सुशांत की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है ताकि पता चल सके कि उसे जहर दिया गया था या नहीं। इससे पहले स्वामी ने सुशांत के सुसाइड को मर्डर बताया, इसके लिए उन्होंने 26 बड़ी वजह भी बताई। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने बताया सुशांत ने आत्महत्या की। ये कदम क्यों उठाया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। सुशांत के पिता के सिंह राजपूत ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और रिया के परिवार के खिलाफ पटना में FIR दर्ज करवाई। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।